रामलीला में पहनते हैं और यहाँ पे देखो मस्त पहनते हैं। और लोग हमें मिलते हैं कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक नई फैमिली के सदस्यों को जोड़ दिया है। मिर्जापुर भदोही से आप लोग ये कालीन लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है भैया। अच्छा क्या दिख रही है, 1856 की एक टावर है, टावर है उसके अंदर एक वॉच है पुरानी। अच्छा गोपर से पूरी बिरयानी खाना पीने के। वैसे भैया हमारे साथ हालांकि कर रहे हैं, वो इसके अंदर कुछ दाल नहीं रहे, लेकिन फिर भी खाली पट हो रहा यूपीएससी का जो भी सेंटर होता है। सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत, आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत शहर देहरादून के शिव मंदिर से। मसूरी रोड पर हम लोग आए हैं और देहरादून में रह रहे हैं, लोग इतनी दूर दूर से मसूरी में आते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी इतने पास में आए। और इस तरह से हम लोग प्लान बन रहा था, तो हम लोग अपने खास साथियों के साथ आए हैं जिनको कि आप बीच बीच में कभी देखते रहते होंगे। तो यहाँ पर है मेरी भाभी जी। भाभी जी, ये है मेरी भाभी जी, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें भाभी जी छलांग लगा रही थी, वो यही भाभी जी है मेरी। तो हमारे डुबकी लगा रही थी, तो जो हमारे गांव के बगल में करना गांव है ना, हम लाइव देखना चाहेंगे, लाइव देखना चाहेंगे। तो हमारे साथ सजवान जी भी है, वो भी देख रहे हैं लाइव। तो कह रहे हैं कि भाभी जी हमारे साथ में है, भाभी जी मेरे गाँव के जस्ट बगल वाले गाँव में रहती है, करना गाँव में। तो भाभी जी कैसे लग रहे हैं मेरे से मिलके? बहुत गजब यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब इन दोनों को मिलके आज मेरा सपना पूरा हुआ है यार। बहुत वो था मुझे, और मुझे मोनिका के द्वारा दूसरी मोनिका मिली आज। बिल्कुल, तो आज तो मैं आज पता क्या करूंगी, इन दोनों की वीडियो बनाऊंगी, दोनों वीडियो कैसे शूट करते हैं बिहाइंड द सीन। तो आप मेरी वीडियो में देखना ये दोनों कैसे शूट करते हैं, आज मेरी सिर्फ वही वीडियो रहेगी। वही तो, और भैया भी साथ में है। भैया व्यस्त हो रहे आप सुबह सुबह, इधर आओ भैया। तो यहाँ पे भैया भी हमारे साथ है, भैया की बदौलत हम लोग मसूरी जा पा रहे हैं। हाँ भैया कैसा लग रहा है आपको? आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भैया हमको गाड़ी में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं वहाँ पे रुका रहे हैं। तो हम लोग मंदिर के दर्शन करके तो आ चुके हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर मंदिर में तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, आप एक रुपए भी मंदिर को दान नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो सच्ची श्रद्धा भक्ति है आप उसे जाइए, और मंदिर जैसे कि भगवान का तो वैसे ही पैसे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मतलब ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे आप लोग एक रुपए दान नहीं दे सकते हैं। सजान जैसे तो हमने मिलाया ही नहीं आपको, वही तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वही तो मसूरी एक टूरिज्म प्लेस तो है ही, यहाँ पे भीड़ स्वाभाविक है, मतलब बहुत सारे लोग बाहर से दूर दूर से यहाँ पे लोग ज्यादातर घूमने के लिए आते हैं। पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी यहाँ पे फेमस है और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इलाका यहाँ पे है। इसके अलावा रास्ते की बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे हम लोग रुक रहे हैं, और यहाँ पे हमको एक बहुत प्यारी शॉप देखने को मिली है जहाँ पर की बहुत ही प्यारी डिजाइन से कालीन को डिजाइन किया गया है। मुझे नहीं पता है कि कालीन किस तरह से बनती है, लेकिन ये इतना प्यारा डिजाइन है, देख के मतलब कालीनों को देख के मन मतलब बहुत खुश सा हो जाता है कि किस तरह से कारीगरी की गई है और किस तरह से बहुत ही प्यारा बारीक डिजाइन इस पे निकाला गया है। यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं जिनकी शॉप सामने कालीन की है, तो भैया बता रहे हैं कि मिर्जापुर भदोही से आप लोग ये कालीन लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है भैया। बिक्री होती है यहाँ पे? बिक्री होती है, तो बाहर के लोग भी लेते होंगे जो गाड़ियों से आते हैं? टूरिस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं। बढ़िया बढ़िया, आप पहाड़ों के बीच ये घर देख रहे होंगे, बढ़िया से घर हैं, कुछ होटल हैं, कुछ बढ़िया से रिजॉर्ट हैं। इस तरह से लोगों ने पहाड़ों के बीच बढ़िया सी लोकेशन पे बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट और होटल बना रखे हैं। जगह जगह रुके हम लोग लोकेशन का आनंद ले रहे हैं, कहीं से हमको बढ़िया सी जगह मिल रही है, हम लोग वहाँ पर से पूरी लोकेशन को देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ से हमको पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है, लगभग पूरा देहरादून। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जैकेट पहन के क्यों आए, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ मसूरी में उतरे हैं, मतलब जैसे ही एक सेकंड पहले हम लोग गाड़ी से उतरे, इतनी ज्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, ये मसूरी है मिनटों में रंग बदलती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जब बर्फ गिरती होगी तब कैसा होता है, वो बर्फ में मैं कभी नहीं आई यहाँ पे। और हमारे साथी कहाँ हैं? एक साथी हमारे यहाँ पर है। हेलो हेलो जी, कहाँ है दूसरी? अच्छा भाभी उधर है। तो कैसा लग रहा है आपको मसूरी का मौसम? ज्यादा ठंडा भाई, सही में पहले हम सही में नहीं बोल रहे थे कि यार हम जैकेट पहन के आ रहे हैं, लोग हंसेंगे। वही तो लोग हंसेंगे, लेकिन यहाँ पे हवा चल रही है काफी ज्यादा। हम लोग किताबगढ़ के सामने हैं और सबसे पहले मसूरी में आके यहीं पे ही गाड़ी पार्क होती है,
इस चौराहे पे और बढ़िया ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ की बिल्डिंग देख के, ये इलाका देख के, मतलब लग रहा है कि हाँ, जो हिस्ट्री में हुआ था इन्हीं जगहों में से एक है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की पसंदीदा जगहों में से एक है। ज़्यादातर अंग्रेजों का इतिहास इसी जगह का देखने को मिलता है। तो जितनी बिल्डिंग देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये अंग्रेजों के ज़माने की है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। इस जगह पे सब लोग लोकेशन का आनंद ले रहे हैं, गांधी चौक के सामने, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ नीचे देहरादून की लोकेशन का आनंद ले रहे हैं। बढ़िया सा नज़ारा दिख रहा है, हालांकि थोड़ा सा पॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सब लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं चारों तरफ। और यहाँ पे सब लोग दूरबीन से भी देख रहे हैं बढ़िया सी जगह को। पूरा देहरादून दिख रहा है? अच्छा अच्छा, क्या दिख रही है? 1856 की एक टावर है, टावर है, उसके अंदर एक वॉच है पुरानी। अच्छा, अभी का टाइम जो दिख रहा है फिलहाल वहाँ पे सेम टाइम। अरे वाह, तो कहाँ से आए हैं? गुजरात, अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए हैं, तो उत्तराखंड घूम रहे हैं आप लोग आजकल? कैसल मैं तो यहाँ पे 10 दफे आ चुका हूँ। अच्छा, 10-12 आ गए हैं? मैं 10 दफे, बच्चे लोग, ये लोग पहले दफे। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, सब अच्छा, फैमिली मेंबर है सब लोग? अच्छा, मेरे चाचा सब बच्चे हैं। अच्छा, अहमदाबाद से? अच्छा, हम लोग लोकल हैं यहाँ पे, ब्लॉगर हैं यहाँ के, तो आप लोगों को बताएंगे चैनल का नाम, ठीक है? आप लोग भी आएंगे उसमें, तो बढ़िया लग रहा है उत्तराखंड? वही तो, तारीफ करने से एक बार यहाँ पे आओ मसूर में। हाँ, आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। तमन्ना पूरी हो जाएगी बिल्कुल। केदारनाथ की तरफ नहीं गए आप? केदारनाथ बद्रीनाथ बंद हो गया? अच्छा, तो जरूर आप लोगों को इनवाइट करते हैं हम आप उत्तराखंड की तरफ से। केदारनाथ धाम आइए, हमारे उत्तराखंड को घूमिए बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपनी फैमिली में नए मेंबर जोड़ दिए हैं। वैसे तो हमें ये होता है कि और लोग हमें मिलते हैं कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक नई फैमिली के सदस्यों को जोड़ दिया है, जिस जो हमारे चैनल को अभी देखेंगे मसूरी में। तो आपको बढ़िया लगा हमारा उत्तराखंड? आते रहिए, हर साल आइए, जगह जगह घूमिए आप लोग। उत्तराखंड में बहुत बेहतरीन जगह है धाम करने का है। अच्छा, बच्चे लोग को तो इस बार तो आप लोग घूम नहीं पाए ना? नहीं, इस बार नहीं घूम पाए, अब मई और जून में आएंगे कभी भी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को इन्वाइट करती हूँ, जरूर आप लोग आइएगा, संपर्क कीजिएगा, तो अगर आपको आना होगा थैंक यू जरूर आइएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। यहाँ पे कपड़े थोड़ा सा हाई रेंज हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। मतलब जितनी भी सारी चीजें हम देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मुझे ये वाली कैप या टोपी बहुत अच्छी लगती है, जो मतलब बच्चों वाली होती है। भाई पहनाओ जरा। अरे ये उल्टी चे बाबू मुझे दिला देना। बाबू थाना था, बाबू थाना था, मेरे बाबू साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है। क्यूटी भाई, ये माँ, ये माँ हट जा, पागल है इधर। तो भैया हमको मिल चुके हैं, भैया हमसे काफी आगे चले गए थे, अब हम लोग गाड़ी में जाएंगे। बोल रहे हैं कि ऊपर ट्रॉली में, मैं कभी नहीं गई वहाँ पे, तो देखते हैं कि ऊपर ट्रॉली से जाके कैसे होता है, उसमें मुझे बहुत मजा आता है उसमें। अरे वाह, यहाँ पे झंडा देखने को भी मिल रहा है। भारत माता सबकी दाता, भारत माता सबकी दाता, बोलो भारत माता की जय। चलते चलते एक बहुत बढ़िया चीज देखने को मिली है यहाँ ऊपर की तरफ। यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ धाम की बढ़िया अच्छी कलाकारी कर रखी है। इतना तो रियल में भी सुंदर नहीं है जितना कि यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन करा गया है। कहाँ है उस कलाकार के हाथ? हमें उसके हाथ चाहिए। जय, बोलो बद्री विशाल धाम की जय। तो यहाँ पे भैया लोग घूमते रहते हैं मसूरी में, जो कि फोटोज वगैरह लेते हैं बढ़िया ट्रेडिशनल फोटोज में। तो भैया यहीं के आप लोकल? अच्छा, लोग खिंचाते होंगे बाहर के लोग फोटोज? सब पहनते हैं ऐसे ड्रेसेस, कहाँ है? अच्छा, तो आपके, अच्छा आपकी दुकान में जाके पहन सकता है कोई भी? तो कितने रुपए लेते हैं आप? 250 का 200 का 150। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो भैया हमारे पीछे ही पड़ गए हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, हमारे साथ फोटोज वगैरह खिंचाओ, पर भैया हमारे पास थोड़ा समय की कमी है। भैया नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम की दिक्कत है भैया, कोई बात नहीं, दोबारा जरूर आएंगे। हाँ, जब कपल के साथ, भगवान से पहले दुआ करो कि हमें हमारे सपनों के राजकुमार मिल जाए, तब उनके साथ खींचेंगे फोटो। वही तो,
वही तो भैया हमको बहुत जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखाओ हमको ड्रेसेस, दिखाओ कैसी कैसी हैं। लेकिन सच बताऊं तो इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे रामलीला में ऐसे कपड़े होते हैं, हमारे घर में ही हम रामलीला के कपड़े रखे होते हैं। तो जब भी हमको बोलते हैं कि उनको सुखाने के लिए रख दो, तो सेम ऐसी फील आता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रामलीला वाले होंगे। तो कोई सुन तो नहीं रहा इसको भी देखो कपड़ों को, तैयार रामलीला में मिल जाता है 200। इससे अच्छा मुझे पहले पता होता तो मैं अपने घर का एक बक्सा खोल कर रामलीला के कपड़े में फोटो खिंचा लेती। 200 रुपए भी किस बात के देने हैं। पर वो भैया भी यहाँ पे है, इसलिए हम इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। मैं तो अच्छे खासे महंगे कपड़े पहन के नमूनी दिखती हूँ कई बार, तो ये इसका तो पता नहीं क्या होगा। मैं अहम ब्रह्मा अहम विष्णु परी हूँ अर्जुन नहीं तो क्या हुआ। वही तो क्या है ये। भैया थोड़ा सा पहन के दिखा दो। चलो पहले चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ड्रेस तो हम लोग जो है कि हमारे गांव में रामलीला में पहनते हैं, और यहाँ पे देखो जबरदस्त। भैया आप अपनी तरफ से पहना रहे हैं, ऐसे पैसे तो नहीं देने पड़ेगा? पैसे दे देंगे यार, दिखा रहे हैं। एक बार मुझे पहना दो एक ऐसे। हम ब्रह्मा अच्छे लग रहे हैं भैया, लालच दे रहे, देखो कि ऐसे लगोगे वैसे लगोगे। हाँ वही तो, इसको भी पहना रहे हैं अच्छी लग रही है। अब लग रहे तो भैया बहुत जिद कर रहे थे हम लोगों को कि पहनो पहनो इस तरह से। अब मैं तो अच्छी नहीं लग रही मेरे को उतनी खास, तो भैया बहुत जिद कर रहे थे कि पहनो पूरी ड्रेस पहनो। अरे नहीं यार भैया टाइम नहीं है, देर हो जाएगी पता है, हम लोग वापस भी जाना है। तो भैया बहुत जिद कर रहे थे पहनो पहनो, तो अच्छे लग रहे हैं यार। लाल भी पहना हुआ थोड़ा। हम लोगों को तो एक वहम, कहीं भी ऐसी जगह चले जाओ जो जरा सुनसान हो तो हमको जरा छल लगने की चिंता हो जाती है। भाभी जी पर कुछ है, भाभी जी ये देखो ना, ये कहना है कि ये रुद्रप्रयाग की रहने वाली, इनको पहचानो कोई रुद्रप्रयाग वासी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तुम गढ़ आए थे क्या? अच्छा टीरा छ, तो हमें यहाँ पे गढ़वाली लोग मिल चुके हैं। हाँ वैसे तो देहरादून में गढ़वाली का मिलना स्वाभाविक है, पर फिर भी मसूरी में वही तो। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारी चीजें हैं ट्राई करने के लिए, मन भी कर रहा है लेकिन क्या करें, समय पर थोड़ा समय की कमी है। तो यहाँ पे एक बढ़िया राइफल है, चला दो ये बताओ। कहाँ है इसके आगे का लग तो गया पे। वैसे भैया हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं, वो इसके अंदर कुछ दाग नहीं रहे लेकिन फिर भी खाली पट हो रहा। हमने जितने भी लोगों को मसूरी आते देखा है, सब लोग ट्रॉली में जाते रहते थे, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि जाना है ट्रॉली में। आज पहली बार ट्रॉली में जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं और हम चारों भी साथ में बैठ गए हैं। तो पहली बार ट्रॉली से जाएंगे, यहाँ की लोकेशन का आनंद लेंगे। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तक जाएंगे। फ्री में बैठते हैं कि पैसों में? पैसों में पैसे दे रही पड़ रही है अच्छा पैसों में जाते हैं क्या? पैसा क्यों नहीं पाना कहीं मतलब, भैया लोगों के साथ थोड़ा सा सुविधा हो जा रही है। तो ये है ट्रॉली से बाहर का व्यू, इस तरह से दिखता है। चारों तरफ आपको ऊपर जाते वक्त पूरा मसूरी दिखता है, आधा देहरादून दिखता है, और यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है जो बोलो भारत माता की जय, तो पूरा इलाका आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर इन लोग क्योंकि मैंने दूसरी ट्रॉली देखी ना, तो मैंने कहा दूसरी भी टकरो ना। मतलब संभावनाएं दिमाग में रहती है, कुछ भी हो सकता है ना। सामने एक बहुत प्यारा मंदिर है, हम लोग इसमें जाने वाले हैं। कौन सा मंदिर है? माँ पार्वती मंदिर, गन हिल मसूरी। तो यहाँ पे इस छोटे से मंदिर में हम लोग जाने वाले हैं।
पार्वती माता का मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ पे माँ पार्वती ने तपस्या की थी। माँ पार्वती के मंदिर से हम लोगों को लगभग मसूरी की पूरी लोकेशन दिखाई दे रही है, जो यहाँ की खास खास जगहें हैं। जैसे नीचे आईटीबीपी कैंप है, मेरे पापा भी लगभग कुछ साल पहले वहाँ पे रहते थे। इसके पीछे आईएएस एकेडमी है, यानी लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी, यानी यूपीएससी का जो भी सेंटर होता है। और यहाँ पे यहाँ की खास खास जगहें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो सारी दिखाई दे रही है। बीच में हरे हरे खेत भी दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग माँ पार्वती के मंदिर से मसूरी का पूरा एरिया कवर हो रहा है। जैसे कि हम लोग कोई भी उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर इंडिया की हिस्ट्री में अगर उत्तराखंड का नाम आता है तो मसूरी का तो पक्का ही आता है। तो ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्डिंग भी ऐसा लग रही है कि काफी साल पुरानी है और इसका भी इतिहास से जरूर कोई ना कोई लेना देना होगा अंग्रेजों के समय से। अभी तक हम लोग हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे और वहाँ पे चिल्लाने पे लगे हुए, तो हम लोग वेट कर रहे थे। इसके ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कौन है। हम है ब्लॉगर है बंदूक नहीं 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 गेम तो जिंदगी खेल रही है हमारे साथ जिंदगी गेम खेल रही है हम कितने गेम खेलेंगे इधर मोटा खोले आठ गुनी इधर ही खोले गन हिल के पास में यहाँ पे एक दूरबीन रखा हुआ है। तो अंकल जी बोल रहे हैं कि क्या क्या 100 रुपए में क्या देखेंगे? केदारनाथ, केदारनाथ भी दिखेगा इससे? कुछ पहाड़ वाला केदारनाथ, हाँ पहाड़ दिखेगा ना। हाथ लगाओ यार, बड़े हाथ हाँ लगे। टिकट लेना पहले, मैं एक बार देखते हैं अच्छा दिखेगा तभी लूंगी। ये सुनो सुनो, हम घर भी चलो, हमारे घर दिखेगा अंकल जी का तुला। मेरी माँ दिखेगा रे तुला, मेरी माँ फोन नहीं उठानी चाहिए। जब पैसे दिया काम, जब पैसे दिया काम नहीं हो रहा तो पैसे क्यों है? अच्छा तुला नहीं दिखता यहाँ से तुला नवा केदारनाथ देखो ना, बल्ले सीधा धुंध लगी यार। पहाड़ के दिखा तो घर केदारनाथ तो काफी महंगी है यहाँ पे चीजें, मतलब हर चीज का काफी ज्यादा वो लग रहा है ना। 100 रुपए में कुछ देर बस एक ही आदमी देखेगा, ठीक नहीं है। यहाँ से काफी बड़ी बड़ी चोटियाँ दिख रही हैं। तो जो अंकल जी वहाँ पे दूरबीन लेके खड़े हो रखे थे, तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हम आपको इतनी पहाड़ियाँ दिखाएंगे, हालांकि ऐसे बहुत सारी पहाड़ियाँ ही दिख रही है। तो वो कह रहे थे केदारनाथ की पहाड़ी, वो सिर्फ पहाड़ी दिखाएंगे, दूर से ऐसा होता है, हम लोग तो केदारनाथ में ही रहते हैं समझ लो, इतने पास में ही है। वहां से हम यहाँ रखे और यहाँ से हम पैसे दे के केदारनाथ देखेंगे तो ये तो बेवकूफी है। अच्छा तो वो 100 रुपए बचा के रखेंगे और लोगों के लिए होता है ना ये चीजें की वाह वाह देख ले, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल बात है। हाँ वही तो इसलिए हमने क्या देखना है वो। वैसे भी उन्होंने ये आसपास की चौखम्बा पर्वत ये ऐसी पहाड़ियाँ दिखानी थी, तो इसलिए हमने कहा नहीं नहीं रहने दो। अब हम लोग ट्रॉली के पास आ गए हैं और हमारी तरह और लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रॉली का। फिलहाल यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है, सामने की यहाँ से देख के बड़ा ऐसा गुफा जैसा फील आ रहा है ना। सही वही तो। अरे इन्होंने जेब में टिकट रखी और वो नीचे चले गई, अरे उसकी वजह से ऐसी हो गया। तो दोबारा आ रही है तो अपना टिकट ले लेना फिर आप। चलो ठीक है ठीक। तो हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं और यहाँ से हम लोग उड़ान भरने वाले हैं अपनी। बैठ बैठ अपनी पुष्प विमान में। वही तो पुष्प विमान में पहली बार हम कोई उड़ान भर रहे हैं, दूसरी बार इससे पहले ही भरी थी पहले। नहीं होना अरे वो तो अभी खास नहीं होना यार, लुआन भी नहीं गलत ना हूँ गलत ना हूँ। तो फाइनली पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं भाभी जी लोगों के घर पे। आपको पीछे जो बड़ा सा घर दिख रहा होगा वो भाभी जी लोगों का है। और अब समय आ चुका है आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। फिलहाल एक फिलहाल यहाँ पे कुत्ता बहुत ज्यादा शोर कर रहा है हमें, चलो अभी कुछ देर के लिए चुप हो गया। तो भाभी जी को भी यहाँ पे सपोर्ट करें, पहाड़ी साधना भाभी जी हमारी, और इनको भी सपोर्ट करें। ठीक है, जरूरत है अभी इनको, जरूरत है फिलहाल इन दोनों को नहीं यार, मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज जरूर करें, सबको जरूरत है यार। कृपया हमें सपोर्ट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी नया है यहाँ पे सजवान ब्लॉग है,
पहाड़ी साधना जी हैं और उत्तराखंड वाली तो मैं हूँ ही। तो हम लोगों को समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोबारा जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अनसब्सक्राइब नहीं मोड़ते, सब्सक्राइब से फिर दबोला। जो कैमरे के पीछे है ना, जो इन दोनों का, वो मेरे मोबाइल में मिल गया। हां भाई, तो बिहाइंड द सीन हमने क्या क्या किया, बहुत हम लोग हंसे हैं, ज्यादा मजा आपको वही आने वाला था। जरूर जाइएगा भाभी जी के चैनल पे। थैंक यू। बाय 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 बाय।